सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। दोस्तों आज जो हमारा सेशन है वो बेस्ड है इलेक्ट्रिशियन जॉब के लिए, और उम्मीद है आज जो हम आपको क्वेश्चंस दे रहे हैं वो आपके इंटरव्यू में, आपके रिटन एग्जाम्स में बहुत आपको हेल्प करेगा। ये भी उम्मीद करते हैं हम आपसे कि हमारे दोनों चैनल्स पीडी क्लासेस और इंटरव्यू गाइड पर आप स्पोकन इंग्लिश, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज के वीडियोज देख रहे हैं और बहुत कुछ वहां से सीख रहे हैं। तो चलिए वेलकम करते हैं दोस्तों आज के इस सेशन को, और उम्मीद करता हूँ आज जो मैं क्वेश्चंस पुट अप करूंगा वो डेफिनेटली आपको इंटरव्यू में हेल्प करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम नीलम। यस सर। और नीलम, आज जो मैं आपसे क्वेश्चंस पुट अप कर रहा हूँ ये एक मॉक सेशन है इलेक्ट्रिशियन बेस्ड। सबसे पहले नीलम, बीइंग एन इलेक्ट्रिशियन, अगर मैं जानना चाहता हूँ कि इस पोस्ट के लिए या इलेक्ट्रिशियन जॉब में एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, यानी कि क्या फायदे इस जॉब को पाने के लिए और क्या नुकसान है, बताइए। सर, जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इस काम के भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों हैं। तो कुछ एडवांटेज हमें आप बताइए पहले। सर, हम ट्रेनिंग के साथ अर्निंग भी कर सकते हैं, खुद का बिजनेस कर सकते हैं, और अगर घर में कोई भी इलेक्ट्रिक चीज खराब हो जाती है तो हम खुद से उसे सही कर सकते हैं। बिल्कुल, यस सर। और सर, जो इसका कोर्स या डिप्लोमा है वो भी बहुत महंगा नहीं है। ओके। सर, डिग्री करने की इसमें जरूरत नहीं होती, हम डिप्लोमा करके भी सक्सेस पा सकते हैं। ओके। और कुछ डिसएडवांटेज बताइए मुझे इस पर्टिकुलर फील्ड की। सर, इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि सर ये चैलेंजिंग काम है और इसमें लाइफ का भी रिस्क रहता है। ओके। चलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप पर्टिकुलर इलेक्ट्रिशियन क्यों बनना चाहते हैं, व्हाट इज द रीजन? सर, मैं चैलेंजिंग गर्ल हूँ और मुझे बचपन में इलेक्ट्रिकल चीजों से खेलना बहुत अच्छा लगता था। Okay. एक बार हमारे घर पे रेंट पे रहने के लिए अंकिल आए, वो गवर्नमेंट ऑफिसर थे। okay. जो कि इलेक्ट्रिकल में थे। okay. उन्होंने मेरा इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्ट देखा और उन्होंने मुझे कुछ ऐसी बातें बताई जिससे मेरा इंटरेस्ट और भी बढ़ गया। okay. और फिर मैंने इस डिप्लोमे को किया और इस प्रोफेशन में आई। दैट्स ग्रेट। चलिए फिर डेफिनेटली आज मैं आपसे बहुत से इलेक्ट्रिकल रिलेटेड क्वेश्चंस पुट अप करूंगा। मुझे ये बताइए कि म्यूचुअल इंडक्टेंस में दो कॉइल जुड़ी होती है। यस सर। वो वैद्युतिक रूप से जुड़ी होती है, चुंबकीय रूप से जुड़ी होती है? सर, चुंबकीय रूप से जुड़ी होती है। वेरी गुड। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बल की दिशा फिंगर से दर्शाई जाती है या अंगूठे से दर्शाई जाती है? सर, अंगूठे से दर्शाई जाती है। गुड। नीलम, अब मैं आपसे ट्रू और फॉल्स पूछ रहा हूं। एक फ्यूज परिपथ में सदैव जोड़ा जाता है समांतर में, क्या ये सही है? नो सर, ये सही नहीं है, ये श्रेणी में जोड़ा जाता है। वेल डन। एक 5 ओम प्रतिरोध वाली तार को खींचकर दुगना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध कितना होगा? 40 ओम। वेल डन। नीलम, रिलक्टेंस का इनवर्स क्या होगा? परमियंस। वेरी गुड। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? किलोवाट। गुड। एक वॉल्ट किसके समान होता है? एक जूल प्रति कूलॉम। इट्स कूलॉम। ट्रांसफार्मर कार्य करता है एसी में या डीसी में? एसी में। ओके। इंपीडेंस का मात्रक क्या है? ओम। गुड। परिपथ में कौन विद्युत धारा के बदलाव को रोकता है? रेसिस्टर। वेल डन। ट्रांसफार्मर परिवर्तित करता है शक्ति को या वोल्टेज को? वोल्टेज को। गुड। दृष्ट धारा के अनुप्रयोग के एग्जाम्पल दीजिए। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आर्क वेल्डिंग और बैटरी चार्जिंग। वेल डन। नीलम, शोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट क्या होता है? नाइक्रोम। गुड। और शोल्डरिंग आयरन की बिट किस धातु की होती है? तांबा। वेरी गुड। सिंगल फेज एसी मोटर में कंडेंसर का उपयोग किस कारण से किया जाता है? फेज स्प्लिट करने के लिए। गुड। नीलम, डीसी जनित्र का कार्य सिद्धांत बताइए। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण। गुड। रेसिस्टेंस की इकाई बताइए। ओम। गुड। वोल्टेज रेगुलेशन में उपयोग किया जाता है फ्यूज, रिले या जेनर डायोड? जेनर डायोड। वेल डन। डीसी जनित्र में ब्रश होता है सिलिकॉन का, कार्बन का या मैग्नेट का? कार्बन का। शाबाश। मोटर वाइंडिंग उपयोग होने वाली टेप्स के नाम बताइए। एम्पायर टेप, कार्ट कार्टन टेप, सिल्वर फाइबर ग्लास टेप। गुड, शाबाश। नीलम, आपकी हॉबीज क्या है? सर, मेरी हॉबीज है नई जगह पे जाना, नए लोगों से मिलना, किताबें पढ़ना, और सर मुझे इलेक्ट्रिकल चीजों से खेलना बहुत पसंद है, और मैं कई बार खोल भी देती हूँ, और घर पे अगर कोई सामान खराब भी हो जाए इलेक्ट्रिकल तो मैं उसे ठीक भी कर देती हूँ, ये मेरी हॉबीज है सर। वेल डन। हाँ जी। और आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या आपके? सर, मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं ईमानदार हूँ। ओके। सर, मैं टाइम की रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं हर कोई काम
पूरी निष्ठा से करती हूँ। ओके, और आपकी वीकनेस नीलम कोई, आपके अंदर कमजोरी आपकी कोई? सर मेरी वीकनेस ये है कि मैं बातें बहुत करती हूँ। ओके, तो इसके अलावा कोई वीकनेस आपकी? सर मुझे इंग्लिश ग्रामर में थोड़ी प्रॉब्लम है। ओके, आप सीख रहे हैं उसे इस समय? यस सर। बहुत बढ़िया। और आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या कहते हैं? सर मेरे फ्रेंड्स मेरे बारे में कहते हैं कि मैं वर्सेटाइल गर्ल हूँ, हर किसी के साथ जल्दी एडजस्ट हो जाती हूँ। ओके, हाँ जी, मुझे किसी की बुराई करना अच्छा नहीं लगता, और मैं किसी को अगर कुछ कहूँ तो उसके मुंह पे कहती हूँ। ओके, हाँ जी, मींस आप पीठ पीछे बुराई नहीं करती? यस सर। बैक बाइटर नहीं बनती? यस सर। बैक सीट ड्राइवर कहा जाता है? यस वो नहीं बनते आप? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। नीलम अपना इंट्रोडक्शन हमें दीजिए। सर मेरा नाम नीलम है और मेरे नाम का मीनिंग प्रीशियस स्टोन है। सर मैं अपने नाम के अनुरूप हूँ, मैं अपने माहौल में किसी को दुखी नहीं देख सकती। आई बिलोंग टू श्री गंगानगर, जिसे राजस्थान का फूड बास्केट भी कहा जाता है। सर मैंने इलेक्ट्रिशियन का डिप्लोमा किया है, मैं कॉम्पिटेटिव लड़की हूँ, चैलेंजेस पसंद करती हूँ, मैं क्रिएटिव हूँ, मधुर भाषी हूँ। नीलम आप किस तरह के लोगों के साथ काम करना पसंद करते हैं? सर मैं वैसे वर्सेटाइल गर्ल हूँ, किसी के साथ भी एडजस्ट हो सकती हूँ, जो डिसिप्लिन में रहता है और फ्रेंडली बिहेव करता है, मैं उनके साथ काम करना पसंद करती हूँ। ओके, यस सर। नीलम आपको सैलरी कितनी एक्सपेक्टेशन है हमसे? सर मेरे लिए सैलरी मैटर नहीं करती, वर्क इज वर्कशिप फॉर मी, इसलिए सर मैं अगर अच्छा काम करूंगी तो मुझे सैलरी भी अच्छी मिलेगी। ओके, और मान लीजिए इस इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन ना हो तो? सर अगर नहीं भी होता है तो मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगी और फिर से आपके सामने आऊंगी और मेरे में जो कमियां हैं वो इंप्रूव करूंगी। ओके, यू मीन टू से नेक्स्ट टाइम यू विल कम विद फेयर डील्स? यस सर। चलिए, आपने जितने भी मुझे क्वेश्चंस बताए, मैंने आपसे इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस बहुत से पूछे और मुझे उम्मीद है कि इलेक्ट्रिशियन से ये क्वेश्चंस बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं। अब मैं अपने स्टूडेंट से डिस्कस करना चाहूंगा कि यदि दोस्तों आप इंटरव्यू में जाना चाहते हैं एज अ इलेक्ट्रिशियन, तो सबसे पहले ऑब्वियस है यू मस्ट हैव सम सब्जेक्ट नॉलेज, जो आपका पार्ट है। पर हमारा वीडियो अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो आप अच्छे से जानते हैं, हम आपको हर वीडियो में टिप जरूर देते हैं। और आज का टिप बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। यदि आप आज का टिप देखना चाहते हैं तो मैंने अभी अभी नीलम से एक क्वेश्चन पुट अप किया कि नीलम आप हमें ये बताइए कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या है। और मैंने सेकंड क्वेश्चन पुट अप किया कि नीलम यदि आपका सिलेक्शन ना हो तो आप क्या करेंगे। तो दोनों क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। यदि आपसे कल ये क्वेश्चन पुट अप कर लिया जाए कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, तो आप बिल्कुल बताइए, सर सैलरी इज नॉट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी, जॉब सेटिस्फेक्शन एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आर मोर इंपॉर्टेंट। However, sure that if you make me an offer, it will be equal to my qualifications and the current salary structure of the industry. Sir, मेरे लिए salary important नहीं है, मेरे लिए work important है. Work is worship for me, जो नीलम ने भी बोला था. And growth opportunities are more important. However, sir, मैं sure करता हूँ कि यदि आप मुझे salary pay करेंगे, it will be equal to my qualifications and the current salary structure of the industry. इस तरीके से यदि आप answer देते हैं, और यदि आप experience है, तो आप ये भी कह सकते हैं, a job change does include a risk, therefore deserves a suitable increase. तो यदि आप ये आंसरिंग रखते हैं दोस्तों अपने इंटरव्यू में, डेफिनेटली द रिजल्ट्स आर मिरेकल। और मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन नीलम से किया था कि मान लीजिए आपका सिलेक्शन ना हो तो आप क्या करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है उस समय, क्योंकि इंटरव्यूअर आपको चेक कर रहा है, सिलेक्शन आपका हायर फायर नहीं हो रहा है उस समय, वो सिर्फ ये देख रहा है कि आपका रिएक्शन क्या रहता है कि आपका सिलेक्शन ना हो। तो आप थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक बनिए पहले कि सर आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई विल गेट सिलेक्टेड बिकॉज आई हैव स्ट्रगल्ड हार्ड फॉर दिस जॉब। अनफॉर्चुनेटली सर अगर इस बार मेरा नहीं होता है तो एटलीस्ट आई विल कम टू नो अबाउट माय वीकनेसेस सर, आई विल वर्क अपॉन इट एंड डेफिनेटली गेट सिलेक्टेड इन माय नेक्स्ट इंटरव्यू। मींस मैं दोबारा आऊंगा सर, पूरी मेहनत के साथ आऊंगा। आपने भी शायद यही आंसर कहा था। यस सर। वेल डन, आपका आंसरिंग में कोई कमी नहीं थी। तो नीलम आप हमसे कोई क्वेश्चन पुट अप करना चाहेंगे? नहीं सर, वैसे तो मैं इलेक्ट्रिशियन का डिप्लोमा करके आई हूं, अगर फिर भी मुझे कोई कुछ ट्रेनिंग मिले तो मैं बहुत अच्छा करके दिखाऊंगी। डेफिनेटली आपको जॉब से पहले ट्रेनिंग मिलेगी, पर मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पुट अप करना चाहता हूं कि इस जॉब के लिए यदि आपको अपने घर से बाहर या स्टेट से बाहर जाना पड़े तो आप चले जाएंगे? यस सर, मेरे लिए काम ही जरूरी है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जा सकती हूँ सर मैं। ओके, हाँ जी सर। तो यू मीन्स कि आपको होम सिकनेस बिल्कुल भी नहीं है? यस सर। चलिए वेल डन, जितना आपने आंसर दिया, और होप कि ये जो पर्टिकुलर मॉक सेशन है इससे हमारे उन स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो कीप इट अप, ब्लेसिंग्स टू यू, नाइस टू मीट यू, थैंक यू वेरी मच।